In this video, we will discuss CSS Pakistan Affairs Past Paper 2017. So, first question is, Pakistan National Cultural Reflects Unity in University. So, elaborate Pakistan National Cultural Unity in Diversity. So, सबसे पहले हम इसके introduction देखते हैं. Pakistan National Cultural is a rich tapestry woven from diversity, ethnic, linguistic and religious threads. Despite these differences, the country exhibits a strong sense of unity. Pakistan ke qaumi saqafat. तो पाकिस्तान की जो कौमी सकाफत है उसमें मुख्तलिफ नस्ली हो या लसानी हो और मजहबी तो ये मुख्तलिफ जो है वो थ्रेड से बना है और इसके इनके जो है इख्तलाफात के बावजूद मुल्क के अंदर एक मजबूत इतिहाद का एहसास है. देन एथनिक डाइवर्सिटी मेजर एथनिक ग्रुप्स पाकिस्तान इज होम टू वेरियस एथनिक ग्रुप्स इंक्लूडिंग पंजाबी सिंधी पश्तून बलोच एंड मुहाजर एंड कल्चरल कंट्रीब्यूशंस. Each group contributes its own tradition, festivals, art forms, creating a vibrant national culture. So, Pakistan mein jo mukhtalif nasli giroh hain, usme Punjabi hain, Sindhi hain, Pakhtun hain, Baloch hain, aur Muhajir hain. Iske alawa jo har ek group hai, uski apne khususi rivayat hain, apne tehwar hain, aur is tarah se mukhtalif ye ek mukhtalif rivayat yahan par milti hain. Phir isse kya hota hai ki qaumi saqafat banti hai. So, linguistic diversity, language spoken and role of Urdu. The Pakistan ke andar jo mukhtalif zabane boli jati hain, ye Urdu, Punjabi, Sindhi, Pashto, Balochi, Asraiki aur is tarah se mukhtalif zabane hain. Aur iske andar agar hum Urdu ka kirdar dekhen to Urdu jo hai ek qaumi zaban hai, mukhtalif jo guruh hain, group hain, unke darmiyan rabte ka ek zariya hai. Aur is tarah se jo national coordination ko bhi ye farogh deti hai. Then religious diversity, religious groups. Pakistan is predominantly Muslim but also includes communities of Hindu, Christian, Sikh and others. जो है पाकिस्तान एक ज्यादातर तो पाकिस्तान की आबादी जो है वो मुसलमानों की है, मुसलमान आबाद है, लेकिन हिंदू, मसीही, सिख और दीगर मजहबी बरादरियां भी यहाँ पर मौजूद हैं. इसके अलावा अगर हम उनके इकदार की बात करें तो पाकिस्तान के लोगों के दरमियान के अंदर जो है वो मेहमान नवाजी है और इस तरह से जो है बड़ों का एहतराम है, बरादरों की जो है मतलब है कि दूसरे की मदद करना मुश्तरका जो है इनके अंदर इकदार है, तमाम मजहब के अंदर पाई जाती है. इसके अलावा फेस्टिवल्स और ट्रेडिशंस की हम बात करें तो सेलिब्रेशन ऑफ फेस्टिवल्स एंड शेयर ट्रेडिशंस. सो जो है पाकिस्तान के अंदर जो त्योहारों का जश्न है, इनके ईद है, दिवाली है, क्रिसमस है, तो ये बड़े त्यौहार हैं और पाकिस्तान के अंदर ये मनाए जाते हैं. मुख्तलिफ सकाफती रवायात हैं और इसके अलावा जो है शेयर्ड जो ट्रेडिशंस हैं हमारी पाकिस्तान के अंदर, इनके मेहमान नवाजी है, इजतमाई तकरीबात हैं. इसके अलावा बाकी जो ग्रुप्स हैं उनके दरमियान इस तरह की तकरीबात हैं जो है वो आम हैं और इनके दरमियान इतिहाद को फ़रोग देती हैं. इसके अलावा नेशनल सिम्बल्स एंड आइडेंटिटी, नेशनल सिम्बल्स सच एज़ द फ्लैग, एंथम एंड द नेशनल ड्रेस रिफ्लेक्ट द ब्लेंड ऑफ द कल्चरल इन्फ्लुएंसेस रिप्रेजेंटिंग यूनाइटेड डाइवर्सिटी. Cultural integrations, national events and symbols integrate various cultural elements, reinforcing a unified national identity. So, जो कौमी शनाख्त है, कौमी निशान है, वो झंडा है, कौमी तराना है, कौमी लिबास है, तो इस तरह से जो मुख्तलिफ सकाफती असरात हैं और इसके और कौमी तकरीबात और जो निशान है, मुख्तलिफ जो जिनके कल्चरल फैक्टर्स हैं उनको एक जगह के ऊपर यूनाइट करती हैं और इससे मुतहिदा एक जो है वो नेशनल आइडेंटिफिकेशन जो है उसको मतलब कि उसको फ़रोग मिलता है, वो तरक्की पाती है. इस तरह से यूनाइटी इन डाइवर्सिटी है. पाकिस्तान कल्चर इज अ ट्रीटमेंट टू हाउ डाइवर्सिटी कैन बी हारमोनियसली इंटीग्रेटेड विद डिफरेंट एथनिक, लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस ग्रुप्स कंट्रीब्यूटिंग टू यूनिफाइड नेशनल आइडेंटिटी. और इस तरह से पाकिस्तान की जो सकाफत है उस बात की गवाही देती है कि किस तरह से जो है इन तमाम रवायात के दरमियान कोऑर्डिनेशन है और किस तरह से जो मुख्तलिफ नस्ली हैं या लसानी हैं या मुख्तलिफ मजहबी ग्रुप हैं उनकी अपनी एक शनाख्त है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डिस्कस द रोल ऑफ जुडिशरी इन द कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ द पाकिस्तान. पाकिस्तान की आईनी तरक्की में अदलिया का क्या किरदार रहा है. द जुडिशरी ऑफ पाकिस्तान हैज प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन शेपिंग द कंट्री कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क. इट्स फंक्शन इंक्लूड्स इंटरप्रेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स एंड इंश्योरिंग द रूल ऑफ लॉ. तो पाकिस्तान की अदलिया जो है वो मुल्क के जो आईनी एक स्ट्रक्चर है वो बनाती है और इसके फ़राइज़ के अंदर भी यानी कि आइन की तशरीह है और इसके अलावा मुतनाज़ा जो काम होते हैं उनको हल करना, कानून की हुक्मरानी को यकीनी बनाना अदलिया की जिम्मेदारी है. जुडिशल रिव्यू डेफिनेशन एंड पर्पस. द जुडिशल रिव्यू अलाउज़ द जुडिशरी टू एवलुएट द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ लॉज एंड गवर्नमेंट एक्शंस. इट इंश्योर दैट ऑल एक्शंस कंप्लाई विद कॉन्स्टिट्यूशन.
This function has been crucial in maintaining the balance of power among the branches of government and protecting fundamental rights. So, adalti jo ya jaiza hai adliya ko qawaneen aur hukumat ikdamat ki anhiyat ka matlab ke jaiza lene ki ijazat deta hai. Is tarah se ye is baat ko yakeeni banata hai ki jo tamam ikdamat hain wo unke mutabiq hone chahiye aur hukumat ki jo shakhein hain unke darmiyan balance ko जो है वो मीन के एक पावर के को बैलेंस को बरकरार रखता है बुनियादी हकूक के तहफ्फुज के अंदर अदलिया अपना किरदार अदा करती है ज्यूडिशियल केसेस ऑफ द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन 1956 एंड केस ऑफ द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन देन ज्यूडिशियल एक्टिविज्म सो केस ऑफ फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो था 1956 का उसके ऐन की जो बुनियादी नोयत थी और यानी कि अदलिया ने 1956 के ऐन को इसकी बुनियादी नोयत को एस्टेब्लिश किया और इस मुस्तकबिल की जो आईनी तशरीहात थी 1956 का जो आयन है वो आईनी तशरी के लिए एक मिसाल कायम करता है और 1973 का जो आयन है मुस्लिम सुप्रीम कोर्ट ने 1973 के आयन के और की बालादस्ती को तस्लीम किया पाकिस्तान के कानूनी निज़ाम की बुनियाद को मजबूत करने में ये किरदार अदा करता है 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन और जुडिशल एक्टिविज़म तो अवामी जो अहदेदार हैं उनकी नाअहली और इस तरह के मुकदमात जो होते हैं तो उसमें अदलिया की जो आइनी दफात हैं उनको नाफिज करने में जमहूरी असूलों को तहफ़ करने में भी जो है वो ये फ़ाल किरदार अदा करता है देन जुडिशरी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स इंटरप्रेटिंग अमेंडमेंट्स द जुडिशरी हैज़ प्लेड अ रोल इन इंटरप्रेटिंग अमेंडमेंट्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योरिंग दे अलाइन विद द डॉक्यूमेंट्स फंडामेंटल प्रिंसिपल्स चैलेंजेस एंड रिफॉर्म द जुडिशरी हैज़ समटाइम्स चैलेंज अमेंडमेंट्स दैट इट व्यूड एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल लीडिंग टू इंपॉर्टेंट लीगल एंड पोलिटिकल डिबेट्स तो इस तरह से आईनी तरमीम के अंदर जो अदालत का किरदार है इनके तरमीम की तशरी अदालतें करती हैं अदालत ने जो है आईन के अंदर जो तरमीम है उसकी तशरी करने में किरदार अदा किया और ये यकीनी बनाते हुए कि जो ये जो दस्तावेजात हैं डॉक्यूमेंट्स हैं उनके जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उनको मद्देनजर रखा जाएगा और इसकी अगर हम चैलेंजेस की बात करें या इस्लाहात की तो अदलिया ने भी ऐसी तरमीम को भी चैलेंज किया है जो उसे गैर आनी लगी और फिर उसे जो अहम कानूनी और सियासी फिर डिबेट्स भी शुरू हो गई देन प्रोटेक्टिंग फंडामेंटल राइट्स इन्फोर्समेंट ऑफ राइट्स द जुडिशरी हैज बीन इंस्ट्रूमेंटल इन सेफ गार्डिंग फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन सच इज द राइट टू फेयर ट्रायल एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच Landmark judgments and various judgments have expanded the scope of fundamental rights impacting social and political reforms. तो इसमें जो बुनियादी हकूक का तहफ्फुज है अदलिया ने आइन के अंदर जो बुनियादी हकूक का तहफ्फुज था उसको नाफिज करने में किरदार अदा किया जैसे कि जो मुनसफाना मुकदमे थे उनका हक उनकी आज़ादी इजहार उनके अंदर किरदार अदा किया मुख्तलिफ फैसलों ने बुनियादी हकूक के दायरों को बढ़ाया और समाजी और सियासी असलाहत के ऊपर इनका काफ़ी असर रहा Then judiciary role in federalism, dispute resolutions, the judiciary resolve disputes between federal and provincial governments, maintaining the balance of the power in the federal structure. Interpretation of the federal powers, it interprets the distribution of the powers between different levels of the government, ensuring adherence to the constitutional limits. तो इस तरह से जो अदलिया का किरदार रहा वफाकी और सूबाई हुकूमतों के दरमियान उन्होंने तनाजात को हल किया और इसके अलावा जो बेसिक स्ट्रक्चर है यानी कि फाकी जो ढांचा है उसकी ताकत को बैलेंस को बरकरार रखने में जो है वो यानी कि अपना किरदार अदा किया और मुख्तलिफ सतह की जो हुकूमतें थी उनके दरमियान इख्तियारात की तकसीम को अदालतें तशरीक उनकी अदालतें जो है वो तशरीक करती हैं और आईनी हदूद की पाबंदी को यकीनी बनाती हैं तो जुडिशरी रोल इन पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन बोथ प्रोटेक्टिव एंड इंटरप्रेटिव बाय इंश्योरिंग लॉज अलाइन विद कॉन्स्टिट्यूशन सेफ गार्डिंग फंडामेंटल राइट्स एंड resolving key disputes the judiciary helps uphold democratic values and the rule of law in pakistan pakistan ki aini tarakki mein adliya ka kirdar kafi ahem hai faasi iski hifazat ke andar uski tashreeh ke andar qawaneen ko aain ke mutabiq banane mein bunyadi huqooq ki hifazat karne mein ahem tanazaat ko hal karne mein adliya ka kirdar bahut ahem raha hai adliya jo hai wo jamhoori iqdar ko qanoon ki hukmrani ko barqarar rakhne mein madad karti hai नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे सी पे इज द फ्लैग की प्रोजेक्ट ऑफ द वन बैलेट एंड वन रोड एन ओरिजिनल गेम चेंजर सो एक्सप्लेन करना है इसको सी पे का ओवरव्यू देखते हैं सी पे का क्या मनसूबा है इसको बैलेट एंड जो बैलेट एंड रोड का जो है वो एक मनसूबा कहा जाता है और जो इलाकाई तौर पर जो है एक इसको यानी कि ओरिजिनल इसको गेम चेंजर समझा जाता है सो सी पे का मतलब है कि चीन पाकिस्तान इक्तसादी राहदारी यानी ये जो चीन है और पाकिस्तान के दरमियान है एक बड़ा बेसिक स्ट्रक्चर है का एक मंसूबा है और
जो बैलेट वन बैलेट एंड वन रोड है ये तीन की तरफ से एक यानी कि लिया गया एकदम है और इसका मकसद जो है वो आलमी तिजारत को बेहतर बनाना था। इसके अलावा एशिया और इसके बाहर जो इक्तिसादी तरक्की है उसको तहरीक देना है। सी पैक इस एकदम का एक अहम हिस्सा है और इसके की पॉइंट्स अगर हम देखें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रोड एंड हाईवेज देन रेलवेज रोड एंड हाईवेज कंस्ट्रक्शन ऑफ हाईवेज एंड एक्सप्रेसवेज कनेक्टिंग चाइना सिंकियांग रीजन टू पाकिस्तान ग्वादर पोर्ट रेलवेज अपग्रेडिंग एंड एक्सपेंडिंग रेल नेटवर्क टू इम्प्रूव कनेक्टिविटी। तो इस तरह से जो सड़कें हैं हाईवेज है चीन के सिंकियांग इलाके को पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से जो मिलाने वाले हाईवेज हैं एक्सप्रेसवेज हैं उनकी तामीर करता है रेल नेटवर्क को बढ़ाने के अंदर बेहतरी के अंदर ये अपना किरदार अदा करता है। देन एनर्जी प्रोजेक्ट्स पावर प्लांट्स एनर्जी ट्रांसमिशन डेवलपमेंट ऑफ द कोल विंड एंड सोलर पावर प्लांट्स टू एड्रेस पाकिस्तान एनर्जी नीड्स देन एनर्जी ट्रांसमिशन इंप्रूविंग द इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इस तरह से जो पावर प्लांट है पाकिस्तान की तवानाई की जरूरत को पूरा करने के लिए जिसमें कोयला है हवा है और शमसी तवानाई है इस तरह के प्लांट्स की तरक्की और इसके अलावा बिजली की जो ट्रांसपोर्टेशन है उसके बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर बेहतरी इस मंसूबे के जरिए लाई जा सकती है। इसके अलावा अगर हम देखें इंडस्ट्रियल पार्क्स को एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सीज टू बूस्ट इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ क्रिएशन ऑफ द जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो संधि पार्क जो है इस मंसूबे के जरिए आया इसने संधि तरक्की को जो है वो फरोग देने के लिए इसको बनाया गया। इसके अलावा जो सरमायाकारी है उसको भी जो अट्रैक्ट करने के लिए ये किरदार अदा करता है। इसके अलावा जो यानी कि जॉब्स की क्रिएशन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर इसका अपना किरदार है। देन स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस अगर हम देखें तो ओरिजिनल कनेक्टिविटी ट्रेड रूट इकोनॉमिक इंटीग्रेशन सी पैक इनहेंस ट्रेड रूट बिटवीन चाइना सेंट्रल एशिया एंड द मिडल ईस्ट स्ट्रेंथन इकोनॉमिक टाइज बिटवीन चाइना एंड पाकिस्तान एंड बिटवीन एशिया एंड मिडल ईस्ट। तो सी पैक जो है वो चीन वस्ती एशिया और मिडल ईस्ट के दरमियान तजारती रास्तों को बेहतर बनाता है सी पैक और चीन और पाकिस्तान और एशिया और इसके साथ साथ जो मिडल ईस्ट है उनके दरमियान जो इक्तिसादी कनेक्शन है उसको स्ट्रॉन्ग बनाता है। देन जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट स्ट्रेटजिक लोकेशन रीजनल इन्फ्लुएंस ग्वादर पोर्ट provides China with a strategic outlet to Arabian Sea. Regional influence, CPEC enhances influence in South Asia and beyond. तो चीन और पाकिस्तान जो ग्वादर पोर्ट के अंदर जिनके चीन को अरब समंदर तक एक स्ट्रेटजिक रास्ता फराहम करता है तो जो CPEC है उसका चीन के जो जनूबी एशिया है और इसके बाहर का जो इन्फ्लुएंस है उसको भी इंक्रीज करता है। बेनिफिट्स टू पाकिस्तान इकोनॉमिक ग्रोथ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर और इससे पाकिस्तान को क्या फायदे मिल रहे हैं या फ्यूचर में मिलेंगे। तो सरमायाकारी के मौके बढ़ रहे हैं पाकिस्तान के गैर मुल्की जो सरमायाकारी है उसकी बराह रास्त हो सकती है पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की इक्तिसादी तरक्की को फरोग मिलता है। इसके अलावा जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको जदीद बनाने में मॉडर्नाइज करने में ये हेल्प करेगा तजारत और ट्रांसपोर्टेशन उसको ये मनसूबा बेहतर बनाएगा। देन जॉब क्रिएशन एम्प्लॉयमेंट और एनर्जी सिक्योरिटी ये जॉब्स क्रिएट करेगा कंस्ट्रक्शन के थ्रू ऑपरेशन ऑफ प्रोजेक्ट्स एंड देन एनर्जी को सिक्योर करने में ये बहुत बड़ा मनसूबा हेल्प कर सकता है जिनके जो पाकिस्तान के अंदर एनर्जी की कमी है तवानाई का बहरान है तो ये पावर सप्लाई को स्टेबल और रिलायबल बना सकता है। देन चैलेंजेस एंड कंसीडरेशंस डेट कंसर्न्स डेट लेवल पाकिस्तान फेसेस चैलेंजेस रिलेटेड टू द डेट इनकर्ड फॉर सी पैक प्रोजेक्ट्स एंड सिक्योरिटी इशूज रीजनल सिक्योरिटी इंश्योरिंग सिक्योरिटी फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इन सेंसिटिव एरियाज। तो जो तवानाई की कमी है ये भी पाकिस्तान के अंदर से दूर हो जाएगी। इसके अलावा जो कर्ज की सतह के ऊपर पाकिस्तान को सी पैक मनसूबों के लिए पाकिस्तान ने लिए वो उनसे मुतलक भी पाकिस्तान को काफ़ी चैलेंजेस का सामना है। सिक्योरिटी के मसाइल को अगर हम बात करें तो हसास इलाकों के अंदर जो बेसिक स्ट्रक्चर के मनसूबे हैं उसको इंफ्रास्ट्रक्चर के मनसूबों को सिक्योरिटी को यकीनी बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो सी पैक इज़ अ गेम चेंजर इकोनॉमिक इम्पैक्ट स्ट्रेटजी के इम्पोर्टेंस और जो है सी पैक जो है वो एक गेम चेंजर है पाकिस्तान के लिए। सो डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजिक बेनिफिट्स एनहेंस रिलेशन विद सेंट्रल एशिया बैलेंस्ड फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान एशिया के जो रुकन ममालिक हैं वो अपने सकाफती और अपने तलीमी जो तबादले हैं उनको फ़रोग देता है। पाकिस्तान की जो सफारती यानी कि सकाफती हो या सफारत का हो या तलीम हो उसके अंदर यानी कि इनसे मजीद पाकिस्तान जो है अपना इससे फ़ायदा उठा सकता है। एस सी ओ के जो रुकन ममालिक हैं उनके दरमियान सकाफत और यानी कि तलीमी जो एक्सचेंज है
वो होता रहता है और इस एक्सचेंज को जो ऐसी है वो इसको बढ़ाता है और इसकी ये तंजीम और पाकिस्तान की जो पाकिस्तान इससे फिर अपना यानी कि तमाम जो है वो चीज़ों को बेहतर बना सकता है और पाकिस्तान जो है वो पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट को बेहतर बना सकता है एसईओ की तंजीम के जरिए। इस तरह से जो एसईओ है पाकिस्तान को क्या पाकिस्तान की जो एम स्ट्रेटजिक तसादी सिक्योरिटी फायदा है उससे पाकिस्तान इनसे फायदा उठा सकते हैं क्योंकि पाकिस्तान इसके अपना इसका रुकन मुल्क है और पाकिस्तान का जो रीजनल इन्फ्लुएंस है इकतसादी इम्कान हैं और सिक्योरिटी के तनाजर हैं इसको भी एसईओ की मदद से पाकिस्तान बढ़ा सकता है इस तंजीम की मदद से। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं इनॉग्रेट द मेजर्स अडॉप्टेड बाय एचईसी फॉर प्रमोशन ऑफ हायर एजुकेशन एंड क्वालिटी रिसर्च इन पाकिस्तान। मेजर्स अडॉप्टेड बाय एचईसी फॉर प्रमोशन ऑफ हायर एजुकेशन एंड क्वालिटी रिसर्च आला तालीम और जो बेहतर तहकीक है उसको फ़रोग देने के लिए एचईसी के जो इकदाम हैं उनकी माली मामलत उनकी फंडिंग को हम डिस्कस करेंगे। सो फंडिंग एंड फाइनेंशियल सपोर्ट स्कॉलरशिप एंड ग्रांट्स प्रोवाइडिंग स्कॉलरशिप फॉर स्टूडेंट्स एंड ग्रांट्स फॉर रिसर्च प्रोजेक्ट टू सपोर्ट हायर एजुकेशन एंड इनोवेटिव रिसर्च फाइनेंशियल असिस्टेंस इंस्टीट्यूशंस ऑफरिंग फंडिंग फंड्स टू यूनिवर्सिटीज फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फैकल्टी हायरिंग एंड रिसर्च फैकल्टीज। तो जो तलबा हैं उनके लिए स्कॉलरशिप और जो तहकीकती मनसूबे हैं उनके लिए ग्रांट फराहम करता है जो एचईसी है और इसके अलावा आला तरीन के लिए और जदीद तहकीक के लिए यानी कि जो सपोर्ट कर सकता है। इसके अलावा जो यानी कि इसकी यूनिवर्सिटियों के जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर उनकी तरक्की के लिए फैकल्टी की भर्ती के लिए और तहकीकती सहूलतों के लिए यानी कि जब भी फंड्स फ्राहम करता है। उसके बाद क्वालिटी एश्योरेंस एक्रीडिटेशन ऑफ द प्रोग्राम्स इंश्योरिंग एकेडमिक प्रोग्राम्स मीट नेशनल एंड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स टू एक्रीडिटेशन प्रोसेस क्वालिटी एश्योरेंस मैकेनिज्म इंप्लीमेंटिंग रेगुलर एवोल्यूशन एंड असेसमेंट्स टू मेंटेन एंड इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। तो ये जो है प्रोग्राम्स की मंजूरी देता है इनके ये यकीनी बनाता है कि जो तालीमी प्रोग्राम है वो कौमी और बैन अक्वामी स्टैंडर्ड्स के ऊपर पूरा उतरते हैं और इसके अलावा जो मुख्तलिफ यानी कि यकीन दहानी है उनका एक उनके लिए एक तरीकाकार बनाता है इनके तालीमी मियार को बरकरार रखने के लिए बेहतर बनाने के लिए एचईसी बाकायदा जायजे लेता है और इसके साथ साथ जो तशकियास भी है उसको भी नाफिज करता है और उसके बाद रिसर्च एंड डेवलपमेंट रिसर्च ग्रांट्स रिसर्च सेंटर्स इंस्टीट्यूट्स देन फैकल्टी डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स इंटरनेशनल कोलाब्रेशन। तो इस तरह से जो है वो मुख्तलिफ शोबों के अंदर तहकीक के लिए ग्रांट्स फराहम करता है ताकि जो आला मियार है बेहतर स्टैंडर्ड है उसको फ़रोग दिया जा सके। इसके अलावा जो मतलब जदीद तहकीक है या तरक्की है उसको फ़रोग देने के लिए ये खसूसी यानी कि मरकज इसने कायम किया इदारों का क्या अमल में लाया। इसके अलावा जो फैकल्टी डेवलपमेंट मैनेजमेंट के ट्रेनिंग प्रोग्राम दिए फैकल्टी के लिए और इसके अलावा जो यानी कि तहकीकी जो इसके अंदर जिनके डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के लिए और उसके बाद रिसर्च स्किल्स के लिए इसने काफ़ी जो है उनको बेहतर बनाने के लिए अपने इकदाम किए बैन अक्वामी यूनिवर्सिटियों के साथ जो है वो शिरकत दारी की उसको फ़रोग दिया फैकल्टी के तबादलों को इसके अलावा मुश्तरक तहकीकती मनसूबों के अंदर सहूलियात फराहम की दैन करिकुलम एंड प्रोग्राम डिवेलपमेंट करिकुलम रिफॉर्म्स न्यू प्रोग्राम स्पेशलाइजेशन अपग्रेडेटिंग एंड रिवाइजिंग करिकुला टू इंश्योर रेलिवेंस एंड इंटीग्रेशन विद ग्लोबल एकेडमिक एंड इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स न्यू प्रोग्राम्स एंड स्पेशलाइजेशन इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोग्राम्स एंड स्पेशलाइजेशन टू मीट इमर्जिंग एजुकेशनल एंड रिसर्च नीड्स। और इसके अलावा नसाब के अंदर इस्लाहात के नसाब को अपडेट करना इसकी मुताबिक इसकी जो आलमी तालीम है सनती मियार इनके साथ इनको यकीनी बनाना। इसके अलावा जो तालीमी और तहकीकती ज़रूरियात हैं जो अब बढ़ रही हैं उसके उनके लिए नए प्रोग्राम्स बनाना ये सारे जो है एचईसी की तजहीज़ात के अंदर शामिल होता है। और इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना कैंपस डेवलपमेंट इन्वेस्टिंग इन द डेवलपमेंट एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ यूनिवर्सिटी कैंपसेस एंड रिसर्च फैकल्टीज टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन इंप्लीमेंटिंग एडवांस टेक्नोलॉजीज एंड डिजिटल टूल्स टू एनहेंस टीचिंग एंड रिसर्च कैपेबिलिटीज। और इसके अलावा जो यूनिवर्सिटी के कैंप्स हैं और इस तरह से तहकीकती जिनके यूनिवर्सिटी कैंपस और जो तहकीकती सहूलतें हैं उनको फ़रोग देना जदीद सरमायाकारी करना और इसके बाद जो जिनके तहकीक की सलाहियतें हैं रिसर्च की सलाहियतें हैं उनको बढ़ाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी और डिजिटल टूल का नफाज इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में शामिल है। इसके अलावा स्टूडेंट सपोर्ट और डेवलपमेंट कैरियर काउंसलिंग एंड गाइडेंस प्रोवाइडिंग कैरियर सर्विसेज एंड काउंसलिंग टू हेल्प स्टूडेंट्स मेक इनफॉर्म्ड कैरियर एंड कैरियर चॉइसेस।
تو اسٹوڈنٹس کو یہ جو ہے وہ جو معلوماتی تعلیم ہے یا کیریئر کے انتخاب کرنے کے اندر مدد دینے کے لیے کیریئر سروسز اور یعنی کہ یہ مشاورت فراہم کرتا ہے. غیر نصابی جو اس کے اندر سرگرمیاں ہوتی ہیں کے سپورٹنگ ایکٹیویٹیز ہیں اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن ٹو فوسٹر اوور آل ڈیولپمنٹ اور ان غیر نصابی سرگرمیوں کو فروغ دینا, طلبا کی تنظیم کی حمایت کرنا اور اس طرح سے یعنی کہ یہ ایچ ای سی اپنا اس میں اپنا کردار ادا کرتا ہے. نیشنل اور انٹرنیشنل کولابریشن پارٹنرشپ ود انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز انکریجنگ کولابریشن ود انٹرنیشنل یونیورسٹیز فار جوائنٹ ریسرچ ایکسچینج پروگرامز اکیڈمک پارٹنرشپس نیشنل ریسرچ نیٹورکس. تو بین الاقوامی اداروں کے ساتھ ایچ ای سی شراکت داری کرتا ہے اور اس تاکہ مشترکہ تحقیقات کی جائیں, تبادلے کے پروگرامز کیے جائیں, تعلیمی شراکت داری کو فروغ دیا جائے, پاکستانی یونیورسٹیوں اور جو تحقیقات ادارے ہیں ان کے درمیان کوآرڈینیشن کو فروغ دیا جائے اس کے لیے نیٹ ورکس بنائے جاتے ہیں. دین پالیسی اینڈ ریگولیٹری فریم ورک ہائر ایجوکیشن پالیسیز ریگولیٹری باڈیز ڈیولپنگ اینڈ امپلیمنٹنگ پالیسیز ٹو گائیڈ اینڈ ریگولیٹنگ ہائر ایجوکیشن اینڈ ریسرچ ایکٹیویٹیز ریگولیٹری باڈیز اسٹیبلشنگ ریگولیٹری باڈیز ٹو اوورسی اینڈ انشور اڈیرنس ٹو اکیڈمک اینڈ ریسرچ اسٹینڈرڈز. اور جو اعلیٰ تعلیم ہے, تحقیقاتی سرگرمیاں ہیں, ان کی رہنمائی اور ان کے لیے پالیسیز تیار کرنا, ان پر عمل درآمد کروانا, اس کے علاوہ تعلیمی اور تحقیقاتی جو اسٹینڈرڈ ہے اس کی نگرانی کرنا, اس کو یعنی کہ اس کے اندر جو ہے وہ ایک ریگولیرٹی کو قائم کرنا. اس کے علاوہ جو پبلک اویئرنیس اینڈ آؤٹ ریچ ہے, یعنی ایجوکیشنل کمپینز ہے, کنڈکٹنگ کمپینز ٹو ریز اویئرنیس اباؤٹ دی امپورٹنس آف ہائر ایجوکیشن اینڈ ریسرچ کمیونٹی انگیجمنٹ انگیجنگ ود کمیونٹیز ٹو پروموٹ دا بینیفٹس اینڈ اپرچونیٹیز آف ہائر ایجوکیشن اینڈ ریسرچ. تو اعلیٰ تعلیم اور تحقیقات کے اہمیت کے بارے میں آگاہی یہ پیدا کرتا ہے. اس کے علاوہ مختلف کمپینز چلائی جاتی ہیں, کمیونٹی کے ساتھ جو ہے وہ کنیکشن قائم کیے جاتے ہیں تاکہ جو بڑی اچھی تعلیم ہے اور بہتر ریسرچ ہے اس کے فوائد کو, اس کے تمام جو اپروچز ہیں ان کو اپرچونیٹیز ہیں ان کو فروغ دیا جا سکے. سو نیکسٹ ہم کوشچن دیکھتے ہیں. ایکسپلور دا آپشن آف الٹرنیٹیو انرجی ریسورسز ٹو اوور کم انرجی کرائسز ان پاکستان. پاکستان میں توانائی کے بحران کے اوپر قابو پانے کے لیے جو اس کے متبادل توانائی کے وسائل ہیں وہ کون سے ہیں, سو الٹرنیٹیو انرجی ریسورسز دیکھیں گے اور ان کی امپورٹنس. تو پاکستان ریسیوز ہائی سولر انسولیشن میکنگ اٹ آئیڈیل فار سولر پاور, ریڈیوس ڈیپینڈنسی آن فوسل فیولز, لوور الیکٹریسٹی بلز, پرووائڈ سسٹینیبلٹی انرجی امپلیمنٹیشن, انکریج سولر پینل انسٹالیشن آن روف ٹاپس اینڈ آن سولر فارمز, سو پرووائڈ سبسڈیز اینڈ انسینٹیوز آر فار سولر انرجی پروجیکٹس. پاکستان کو زیادہ جو سولر یعنی کہ انرجی ہے وہ ملتی ہے اور پاکستان جو ہے وہ اپنے اس کے لیے کافی موضوع ہے جو سولر انرجی ہے. فوسل فیولس کے اوپر پاکستان کو یعنی کہ اس کے فائدے یہ ہیں کہ انحصار کم کر سکتا ہے اور بجلی کے بل اس طرح سے کم ہو سکتے ہیں, پائیداری جو توانائی ہے وہ بھی یعنی کہ اس کو پروگرس مل سکتی ہے, اس کو پائیدار ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ جو چھتوں اور شمسی فارمز کے اوپر جو شمسی پینل وغیرہ بنائے جاتے ہیں اس طرح سے ان کو ترغیب دینی چاہیے, مزید ان کو فروغ دینا چاہیے. شمسی توانائی کے جو منصوبے ہیں ان کے لیے سبسڈی, ان کے لیے مراحت فراہم کی جانی چاہیے. اور اس کے علاوہ ونڈ انرجی پوٹینشیل کوسٹل ایریاز اسپیشلی ان سین ہیو ہائی ونڈ اسپیڈ سوٹیبل فار ونڈ ٹربائنز, دین انوائرمنٹلی فرینڈلی ریڈیوس گرین ہاؤس گیس ایمیشن دین آفرز ا سٹیڈی انرجی سپلائی. تو ساحلی علاقے خاص طور پر سندھ میں جو ہوا کی رفتار ہے وہ زیادہ ہوتی ہے جو کہ یعنی کہ ونڈ ٹربائنز ہیں ان کے لیے کافی فائدہ مند ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ ماحول بھی بہت اچھا ہوتا ہے, گرین ہاؤس گیسز کے اخراج جو ہے وہ کم ہوتا ہے, مستقل جو توانائی ہے وہ بھی فراہم ہو سکتی ہے, مل سکتی ہے مستقل. اس کے علاوہ جو ہائی پولرائزیشن کے یعنی کہ علاقے ہیں ان کے اندر جو ونڈ فارم تیار کیے جائیں تو پھر جو ٹیکس کی جو مراحت ہیں وہ بھی ان کو دی جائیں, اور ہوائی جو ٹربائنز ہیں یعنی ونڈ ٹربائنز ٹیکنالوجی ان کے اندر سرمایہ کاری کی جانی چاہیے. دین ہائیڈرو پاور پوٹینشیل نیومریس ریوائیولز اینڈ سٹریمز پرووائڈ اپرچونیٹیز فار سمال اینڈ لارج اسکیل ہائیڈرو پاور پروجیکٹس, بینیفٹس پرووائڈ اے سگنیفیکینٹ اماؤنٹ آف انرجی کین بی اسٹورڈ اینڈ ریگولیٹڈ اینڈ سپورٹس لوکل واٹر مینجمنٹ. سو اس کے اندر جو یعنی کہ ندی نالے ہیں, دریاں ہیں چھوٹے بڑے کے سطح کے اوپر, تو اس کے علاوہ جو توانائی ہے یعنی کہ آبی توانائی ہے اور یہ ان کے ذریعے
जिन के प्रोड्यूस किए जा सकती है, इनके पानी को ज़खीरा करके और इसे बिजली बनाई जा सकती है। इस तरह से जो बड़े डैम्स हैं या छोटे सतह पर भी जिनके पानी के मंसूबे हैं वो तैयार करने चाहिए, ताकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर हो और इसकी जिनके इसकी देखभाल भी की जा सके, इसके अंदर सरमाकारी को भी फ़रोग दिया जाना चाहिए। देन बायोमास एनर्जी पोटेंशियल देन बेनिफिट्स और इम्प्लीमेंटेशन हम इसके देखेंगे। तो इस तरह से जो जमीन के ज़रात का जो रेजिड्यूज एग्रीकल्चर रेजिड्यूज, इसके अलावा जो एनिमल वेस्ट है और बाकी जो ऑर्गेनिक वेस्ट है उसको फिर एनर्जी के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है। और इसके बेनिफिट्स क्या होंगे कि जो ये जो वाद है इसका इस्तेमाल करते हुए लैंडफिल इस्तेमाल कम हो जाएगा, उस तरह से जो यानी कि देहात की जो मईशत है उसको सपोर्ट मिल सकती है। और अगर हम इम्प्लीमेंटेशन को देखें तो जो बायोमास यानी कि इसके बायोमास जो प्रोसेसिंग है उन इस तरह के प्लांट्स को कायम किया जाना चाहिए। बायोमास टेक्नोलॉजी के अंदर जो तहकीक है तरक्की है उसको सपोर्ट किया जाए, ताकि जो दही इलाके हैं उनके अंदर इस तरह से आगाही को यानी कि इसके अवेयरनेस को यानी प्रमोट किया जाना चाहिए। देन जियो थर्मल एनर्जी इसका पोटेंशियल इसके बेनिफिट्स और इसके इम्प्लीमेंटेशन को देखेंगे, तो जो यानी कि मखसूस इलाके हैं उनके अंदर मतलब कि जो जिस तरह की मौजूद हैं कुछ रीजन्स के अंदर जियो थर्मल एक्टिविटी, तो इसके फायदे क्या होते हैं कि जो ये स्टेबल और रिलेबल एनर्जी सोर्स प्रोवाइड करते हैं मिनिमल इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट के साथ, यानी कि इन्वायरमेंट के ऊपर इकोसिस्टम के ऊपर इसका इम्पैक्ट कम पड़ता है, लेकिन इससे फ़ायदा इसका ज़्यादा होता है कि ये स्टेबल रिलेबल एनर्जी प्रोवाइड करता है। और इसके इम्प्लीमेंटेशन को अगर हम देखें तो जो यानी कि इसका जो जोग्राफी वसाइल हैं उनको सर्च करने के लिए इनकी तहकीक के लिए मनसूबे शुरू करने चाहिए निजी शोबे की, उसके अंदर शिरकत होनी चाहिए यानी प्राइवेट जो सेक्टर्स हैं, और इसके अलावा तकनीकी सलाहियतें हैं उनको फ़रोग दिया जाना चाहिए। देन टाइडल एंड वेव एनर्जी पोटेंशियल उसका बेनिफिट्स और इसकी इम्प्लीमेंटेशन, तो जो साहली इलाके हैं पाकिस्तान के उसमें लहरें जो हैं उनकी मदद से तवानाई को हासिल करने की सलाहियत मौजूद है। और इसका बेनिफिट्स क्या होगा, रिन्यूएबल और कंसिस्टेंट एनर्जी सोर्स है विद मिनिमल इंपैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट। और इम्प्लीमेंटेशन कंडक्ट फिजिबिलिटी स्टडीज एंड पायलट प्रोजेक्ट्स इन्वेस्ट इन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर टाइडल एंड वेव एनर्जी। और इस जो यानी कि फिजिबिलिटी स्टडीज हैं या पायलट मंसूबे हैं वो इम्प्लीमेंट करवाने चाहिए, और जाके जो लहरें हैं उनसे तवानाई भी यानी कि पैदा की जा सके, इसकी टेक्नोलॉजी और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसके अंदर सरमायाकारी की जानी चाहिए। सो जो मुख्तलिफ यानी कि मुतबादल तवानाई के वसाइल हैं पाकिस्तान की तवानाई के बहरान को हल कर सकते हैं। रिकमेंडेशन प्रायोरिटाइज इन्वेस्टमेंट इन एंड डेवलपमेंट ऑफ दिस रिसोर्सेज टू इंश्योर सस्टेनेबल एंड रिलायबल एनर्जी फ्यूचर, तो इन वसाइल के अंदर जो सरमायाकारी है और तरक्की है यानी कि इसको तरजीह देनी चाहिए, ताकि एक पायदार एक काबिल एतमाद तवानाई का जो है मुस्तकबिल यकीनी बनाया जा सके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, हाउ जनरल इलेक्शन इन 2002-2008-2013 स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, पाकिस्तान के अंदर 2002-2008-2013 के आम इंतखाबात ने जमहूरियत को किस तरह मजबूत किया। सो जनरल इलेक्शन आर अ क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नेंस इन पाकिस्तान, दी जनरल इलेक्शन हेल्ड इन 2002-2008-2013 प्लेड सिग्निफिकेंट रोल इन रीइंफोर्सिंग democratic practices and institutions. So this document will explore how each of these elections contributed to the strengthening of democracy in Pakistan. عام انتخابات جو تھے جمہوری حکمرانوں کی ایک اہم خصوصیت ہوتے ہیں، اور عام انتخابات پاکستان کے اندر جو 2002-2013 کے اندر انتخابات عام انتخابات ہوئے اس نے جمہوری عمل کے اندر اداروں کو مضبوط کرنے کے اندر اپنا کردار ادا کیا۔ سو اس میں ہم دیکھیں گے کہ انتخابات نے کس طرح پاکستان کے اندر جمہوریت کو مستحکم کیا۔ So, restoration of the democratic governance election, then election 2002, its context and its outcome. So, جو جمہوری حکمران کا تناظر ہے یعنی بحالی کا تناظر 2002 کے انتخابات جنرل پرویز مشرف کے تحت فوجی حکومت کے بعد ہوئے تھے، اور ان انتخابات کے نتیجے میں ایک نئی شہری حکومت تشکیل پائی تھی، ایک نئی شہری حکومت بنی تھی جو ایک بڑی وجہ کے وقفے کے بعد جمہوری حکمران کی واپسی کی ایک جو ہے ایک اس کو ایک علامت سمجھا جاتا تھا۔ دین انسٹیٹیوشنلائزیشن آف دا پولیٹیکل پارٹیز اینڈ دین پولیٹیکل اسٹیبلٹی، دا الیکشن ریزلٹس لیڈ ٹو دا اسٹرینتھن آف دا پولیٹیکل پارٹیز لائک دا پاکستان مسلم لیگ نواز، پاکستان پیپلز پارٹی ہیلپنگ ٹو اسٹیبلائز دا پولیٹیکل لینڈسکیپ۔ تو اس طرح سے جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے اندر جو
ادارہ ساز کی یعنی کہ سیاسی استحکام ہے. انتخابات کے نتائج نے پاکستان مسلم لیگ نواز پاکستان پیپلز پارٹی جو سیاسی جماعتیں تھیں ان کو مضبوط کیا اور اس سے پھر ایک سیاسی منظرنامہ جو ہے وہ اس کو استحکام ملا. پھر اس کے اندر پارٹی ڈیولپمنٹ ہوئی تو جمہوری عمل میں سیاسی جماعتوں کے کردار کو بڑھایا گیا جسے جو نمائندگی اور پالیسی سازی میں بھی بہتری آئی. دین الیکٹورل ریفارمز انٹروڈکشن آف دا نیو ریگولیشنز دا الیکشن سا دا انٹروڈکشن آف نیو الیکٹورل ریگولیشنز اینڈ امپروومنٹس ان دا ووٹنگ پروسیس کنٹریبیوٹنگ ٹو گریٹر ٹرانسپیرنسی اینڈ کریڈیبلٹی. تو اس کے اندر جو ہے جو انتخابات تھے انتخابی اصلاحات اس میں ایک نئے کچھ ضوابط یعنی کہ انٹروڈیوس کروائے گئے تھے اور انتخابات کے دوران جو کچھ انتخابی قواعد اور ضوابط تھے ان کو ووٹنگ کے عمل کے اندر ان کے بہتری دیکھی گئی تھی اس طرح کے قواعد اور ضوابط کو امپلیمنٹ کروانے سے. سو جنرل الیکشن 2008 ٹرانزیشن ٹو سویلین رول شرف ایرا 2008 الیکشن آر کروشل ان ٹرانزیشننگ پاور فرام ملٹری رول ٹو سویلین کنٹرول آفٹر مشرف ریزائنیشن. The democratic transition, the elections were widely considered free and fair leading to a peaceful transfer of the power. تو جو 2008 کے انتخابات سے ہوئے تھے اس نے مشرف کو کہ یعنی کہ مستعفی ہونے کے بعد فوجی حکمرانی سے جو شہری کنٹرول تھا وہ اس کے یعنی کہ فوجی حکمرانی سے جو کنٹرول شہری ان کی طرف منتقل کرنے میں اس نے اہم کردار ادا کیا تھا. انتخابات کو آزاد منصفانہ قرار دیا گیا اور اس سے بھی اتنا جن کی جو ایک طاقت تھی اس کو طاقت کے پرامن منتقل کے لیے ہو گئی تھی سویلین کی طرف. دین انہینسڈ ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز امپاورمنٹ آف پارلیمنٹ اینڈ جوڈیشل انڈیپینڈنس. سو جمہوری ادارے ان کو مضبوط کرنا پارلیمنٹ کو مضبوط کرنا انتخابات نے پارلیمنٹ جمہوریت کو مستحکم کیا قومی اسمبلی کو ایک بار پھر فعال بنایا نئی منتخب حکومت نے عدلیہ کی آزادی کی بحالی کی کو سپورٹ کیا جو جمہوریت کے لیے بھی کافی اہم تھا. Then increased voter participation, higher turnout, public awareness. There was an increased voter turnout compared to previous elections, reflecting a growing engagement of citizens in a democratic process. Public awareness, enhanced public awareness and involvement in politics were observed. اور اس طرح سے ووٹر نے بڑی تعداد میں شرکت کی زیادہ ووٹر کا ٹرن آؤٹ آیا گزشتہ انتخابات کے مقابلے میں اور شہریوں کی جمہوری عمل کے اندر ان کا جو کردار تھا وہ بڑھتا ہوا نظر آیا اور سیاست کے اندر جو عوامی آگاہی تھی اور ان کی شمولیت تھی اس کے اندر اضافہ دیکھا گیا. پھر جنرل الیکشن تھے 2013 کے سٹرینتھن ڈیموکریٹک پروسیس پیسفل الیکشن. 2013 الیکشنز ور نوٹیبل فار دیئر ریلیٹو پیس اینڈ دا سموتھ ٹرانسفر آف پاور ڈیمونسٹریٹنگ دا میچورٹی آف پاکستان ڈیموکریٹک پروسیس. انٹرنیشنل ریکوگنائزیشن دی الیکشن ریسیوڈ انٹرنیشنل پریز فار دیئر ٹرانسپیرنسی اینڈ ایڈہیرنس ٹو ڈیموکریٹک نارمز. تو جمہوری عمل کو مضبوط کرنے کے اندر 2013 کے الیکشن نے کافی کردار ادا کیا ایک پرامن ماحول کے اندر اور یعنی کہ اقتدار کی منتقلی ہو گئی تھی اور پاکستان کا جو جمہوری عمل ہے اس کو اس نے سٹرونگ کر دیا اور اس طرح سے جو انتخابات تھے ان کو انٹرنیشنل سطح پر بھی شفافیت اور جمہوری کچھ اصولوں کے جن کی پابندی کے تحت سرایا گیا تاکہ اس میں کچھ جمہوری جو اصول ہیں ان کو دیکھا گیا ان کو مد نظر رکھا گیا. عالمی سطح کے اوپر اس طرح کا موقف تھا 2013 کے الیکشن کے نتائج کے بارے میں انتخابات کے بارے میں. سو رائز آف دا نیو پولیٹیکل ایکٹرز انٹروڈکشن آف پی ٹی آئی اینڈ پولیٹیکل ڈائیورسٹی ایمرجنس آف دا پاکستان تحریک انصاف ایز اے میجر پولیٹیکل فورس ہائی لائٹڈ دا ڈائنامک نیچر آف پاکستان ڈیموکریسی اینڈ دا ابیلٹی آف نیو پارٹیز ٹو چیلنج اسٹیبلشڈ ونز. تو پھر پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف ایک بڑی سیاسی قوت کے طور پر ابھری پاکستانی جمہوریت کی کو متحرک اور نئی جو جماعتیں تھیں ان کی موجودہ جماعتوں کو چیلنج کرنے کی پاکستان تحریک انصاف کے اندر صلاحیت تھی اور قومی اسمبلی کے اندر بھی یعنی کہ اگر ان کی پولیٹیکل ڈائیورسٹی دیکھیں تو ان کی تعداد میں ان کی سیاست میں اضافہ ہوتا گیا اور اس سے پھر انہوں نے زیادہ مضبوط بحث اور پالیسی مذاکرات کو فروغ دیا. دین الیکٹرل ریفارمز اینڈ ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹس امپرووڈ electoral management. 2013 election saw the use of technology in the electoral process such as the biometric verification which aimed to reduce electoral fraud. Then election commission improvement strengthen of the election commission of Pakistan ECP to ensure fair and transparent elections. To 2013 ke intikhabat mein technology ka istemal dekha gaya biometric tasdeeq ki gayi iska maqsad intikhabi dhandli ko kam karna tha.
इलेक्शन कमीशन के अंदर भी बेहतरी लाई गई है। पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन को मजबूत किया गया ताकि जो मुनसफाना और शफाफ इंतखाबात हैं उनको यकीनी बनाया जा सके। सो जनरल इलेक्शन ऑफ 2002, 2008, 2013 ईच प्लेड अ क्रिटिकल रोल इन रीइंफोर्सिंग डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान बाय फैसिलिटेटिंग अ ट्रांजिशन बिटवीन सिविलियन गवर्नमेंट्स एंड इंस्टीट्यूशन पोलिटिकल पार्टीज इंप्रूविंग इलेक्टोरल प्रोसेस दीज इलेक्शन कंट्रीब्यूटेड टू अ मोर स्टेबल एंड रोबस्ट डेमोक्रेटिक सिस्टम। सो कंटिन्यूड फोकस ऑन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स एंड एक्टिव सिटीजन पार्टिसिपेशन रिमेन्स एसेंशियल फॉर फर्दर स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। 2002, 2008, 2013 के आम इंतखाबात पर जो है एक अपने तरीके से पाकिस्तान में जमहूरियत को मजबूत करने में अपना किरदार अदा किया। शहरी हुकूमत के दरमियान जो है वो इकतदार के मुंतकली होती रही। सियासी जमातों के इदारा साजी से सियासी जमातों की तरफ से की गई इंतखाबी अमल के अंदर बेहतरी लाने के लिए इकदाम किए गए थे। तो इसके बाद जो इंतखाबी असलाहत थी और शहरियों की इसके अंदर शिरकत थी उसके ऊपर भी पाकिस्तान यानी कि इंतजामिया की तरफ से काफ़ी तवज्जो दी गई। पाकिस्तान के अंदर जो जमहूरियत है उसको मजबूत करने के लिए जो तमाम इकदाम भी ज़रूरी थे।